नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरे देश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी राज्यों में धारा 144 लागू है। उसी दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर परिवारों का अपने घरों के लिए पैदल आने का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बेमतरा पुलिस कोरोना संक्रमण के दौरान एक अलग ही भूमिका निभा रही है। वहीं एक तरफ पुलिस प्रशासन लॉकडाउन में वाहनों की चेकिंग का जिम्मा संभाले हुए है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को खाना व पीने के पानी की व्यवस्था के अलावा कई जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। मजदूर नंगे पैर आते दिखे बेमतरा के जिला प्रशासन ने जिले के व्यापारी के संग मिलकर कामगार दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों को चप्पल पहनाकर मानवता का परिचय दिया। बिल्कुल निश्चित रूप से राहत मिलेगा। जैसा हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है और सड़क कितना गर्म है, ऐसे में छोटे बच्चों को साथ लेकर जाना, लंबी दूरी पर यात्रा करना कितना दुर्गम था, तो चप्पल मिलने से निश्चित रूप से उनको मतलब चलने में सुविधा होगी। और निश्चित रूप से देवेंद्र जिला की जो सहयोग मिला व्यापारी संघ से, उसके लिए मतलब शुक्रगुजार रहेंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देश बेमेतरा के जो जूता विक्रेता संघ सबको आहूत किया, लगभग 16 लोग हमारे पास आए थे और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक स्वर में सहयोग करने के लिए तैयार हुए कि जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ से गुजर रहे हैं जिनके पैरों में जूता चप्पल ना हो उनको, वो लोग तो यहाँ तक तैयार हो कि लगभग 2000 जूते जुड़े लोग देने को सरकार तैयार है, वो निःशुल्क रहेगा। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम वो लोग इस साल में 5 जूते चप्पल लेकर यहाँ पर आए और हमने अभियान प्रारंभ कर दिया। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के 3 चरणों तक ग्रीन जोन में रहे बालाघाट जिला ब्रेड्स के मरीज मिला है जो 4 दिन पहले ही घर गया था। जिला कलेक्ट्रेट दीपक आर्य ने बताया कि व्यक्ति 16 मई को मुंबई से आया था जिसे होम क्वारंटाइन किया गया था। शुरुआती स्तर पर उसमें कोई लक्षण नजर नहीं आए थे। 2 दिन बाद उसे सर्दी खांसी होने पर उसका सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था जो पॉजिटिव आया है, जिसे नियमानुसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है जिसकी हालत स्थिर बनी हुई है। एक खैरलांजी के व्यक्ति हैं जो कि मुंबई से लौट करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट 16 तारीख को वो बालाघाट जिले में प्रवेश उन्होंने किया था और 16 तारीख को जैसे ही वो आए तो उनका बेसिक स्क्रीनिंग उनकी की गई थी जिसमें कि असिम्प्टोमेटिक वो थे, कोई सिम्टम्स उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके उपरांत उनको होम क्वारंटीन किया गया था। वो थे, उनके साथ 2 लोग और थे, उन 2 लोगों के दो लोगों को आइसोलेट अभी दोनों लोग भी आइसोलेशन में ही थे। अभी जैसे 16 तारीख को जैसे ही ये इनको थोड़ा सा सर्दी खांसी के लक्षण दिखाई दिए तो ये जैसे जो हमारी आरबीएसके की टीम है उन्होंने उनको दूर से देखा, उसके बाद उनको बोला गया कि वो जाकर मतलब उनका टेस्ट सैंपल लेने लिया गया। टेस्ट लेने के बाद उनको आइसोलेशन में खैरलांजी अस्पताल में रखा गया। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे वो असिम्प्टोमेटिक हैं, स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हैं ऑक्सीजन वाला है, SPO भी उनका 96.7 से ज़्यादा है और फीवर भी उनका नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या उनको नहीं दिखाई अभी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उनको बालाघाट जो कोविड अस्पताल CCC हम लोगों ने बनाया है उसमें अभी शिफ्ट किया जा रहा है। छतरपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जिले में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। जिले में अभी तक कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं था। दिल्ली से आया संजू नाम का युवा कोरोना पॉजिटिव निकला है। दूसरा कोरोना पॉजिटिव गांव केथोकर का निवासी है। प्रशासन ने गांव केथोकर और नौगांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है जहाँ आवागमन पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं इस एरिया में कमांडर के रूप में SDM BB गंगेले को नियुक्त किया गया है। मैं अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति बजरंग कॉलोनी में कोरोना का पॉजिटिव है, तो मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि कोई संजू अहरवार करके है जो धौरा मंदिर के पास रह रहा है। तत्काल अनुभागीय अधिकारी पुलिस को और डॉक्टर साहब को इस संबंध में सूचना दी गई और पूरे सदल बल आके उसको संबंधित कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेशन के लिए छतरपुर भेज दिया गया है और उनके पूरे परिवार को आगामी अगले 21 दिनों के लिए या 14 दिन जो भी निर्धारित होंगे उसके लिए हम क्वारंटाइन कर दिए गए। सर, नौगांव में और जिले में जिस तरह की जो ढिलाई दी गई थी फोर्थ लॉकडाउन में, क्या उसमें फिर से पाबंदियाँ लगेंगी क्या? इसमें जो भी शासन के निर्देश हैं वो पूरे लागू होंगे। इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया में परिवर्तित कर दिया गया है
और पूरी पुलिस व्यवस्था यहाँ रहेगी। संबंधित व्यक्ति के परिवार से कोई भी व्यक्ति अभी बाहर नहीं निकल पाए। नौगांव में जैसे हमें जानकारी लगी कि अभी दिल्ली से दो दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ संदेहप्रद आया था और उसने फ़ोन करके हमको बताया कि मेरी रिपोर्ट आज आई है रविवार के दिन जो कि पॉजिटिव है। तो जैसे ही प्रशासन को पता चला तो पूरी टीम सहित श्रीमान SDM महोदय जी और अनुभागीय पुलिस अधिकारी जी, तहसीलदार महोदय जी, पूरा अमले के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और उस व्यक्ति की हमने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चला कि दिल्ली में उसने उसका टेस्ट किया गया था लेकिन उसको रिपोर्ट आने के पहले ही वहाँ से वो भाग आया। तो ऐसी यहाँ इससे सूचना दी तो उसको हमने प्रोटोकॉल के तहत जिला अस्पताल आइसोलेशन वार्ड के लिए भेज दिया गया है और फैमिली के जो सदस्य, तीन सदस्य और हैं, हाँ चार सदस्य जो भी हैं, मम्मी पापा और उसकी पत्नी और उसकी बुआ, इन लोगों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और उनके घर को पूरा होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और बाकी इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया में बदल दिया गया। दिल्ली से लौटा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 13 मई को स्पेशल ट्रेन से आए दिल्ली के छात्रों को कोरबा के महाराजा होटल में क्वारंटाइन में रखा गया था जिनमें सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजे गए थे। छात्रों की रिपोर्ट आने के बाद एक छात्र कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम अब कोरोना पॉजिटिव छात्र को बिलासपुर भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। कोरबा में अब एक पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला है। ये जो है ये राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से आए थे और उसके पश्चात जो है इनको वहीं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ही विशेष वाहन में ला करके एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था और अभी मैंने होटल का भी निरीक्षण किया है। क्वारंटाइन संबंधी सभी नियमों का पालन वहाँ पर किया गया है तो इस प्रकार से इससे किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। फिर भी एहतियातन हम लोगों ने जो वहाँ पर जो है कंटेनमेंट एरिया इस भी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और संबंधित पेशेंट को इलाज के लिए हम लोग कोविड हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। पन्ना जिला अस्पताल में एक नवजात को वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ ने जीवन दान दिया, एक मिसाल पेश की है। बता दें कि करीब एक महीने पहले महिला ने बच्चे को जन्म दिया था जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी। महिला की परिजन महिला के शव को लेकर वापस चले गए और नवजात को वहीं छोड़ गए थे। नवजात की हालत ठीक नहीं थी जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चे की केयर शुरू की और बच्चे को नया जीवन दान दिया। जब बच्चा ठीक हो गया तब परिजन वापस बच्चे को लेने आए। डॉक्टर्स ने बच्चे को डिस्चार्ज कर घर वालों को सौंप दिया। दिनांक 21 अप्रैल को ऑपरेशन के द्वारा कमला प्रजापति ने एक कम वजन के शिशु को जन्म दिया था। अगले दिन मां की मृत्यु हो गई थी। उसके परिजन इस बच्चे को SNCU में भर्ती कर चले गए थे। क्योंकि बच्चा कम वजन का था उसकी जांच कराई गई थी जिसमें बच्चे को इन्फेक्शन एवं पीलिया पाया गया था। इसका इलाज किया गया, काफ़ी दिनों तक बच्चे का इलाज चलता रहा। उसके बीच में टोटल ड्यूरेशन में एक या दो बार ही उसके परिजन बच्चे को देखने भर आए थे। इसके अलावा उसके परिजनों ने यहाँ पर बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने की या किसी तरह से कोई प्रयास नहीं किया। बच्चे का पूरी तन्मयता के साथ इलाज किया गया। इस बीच में बच्चे को खून की कमी हुई जिसके लिए व्यक्तियों से संपर्क, चूँकि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव था, ऐसे ब्लड ग्रुप बहुत कम पाए जाते हैं, इसके लिए कई व्यक्तियों से संपर्क किया गया जिसमें एक समाजसेवी अजयकांत खरे जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। उनसे ब्लड लेकर बच्चे को 3 भाग में प्रतिदिन ब्लड लगाया गया। धीमे धीमे बच्चे की स्थिति में सुधार होता रहा। आज बच्चे की स्थिति पूर्ण स्वस्थ थी एवं बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके परिवार वाले आज उसके परिजन बच्चे को लेकर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दूसरे राज्यों से अपने घरों को लौट रहे मजदूरों के हाल बेहाल हैं। एक तरफ तो वापस लौट रहे मजदूरों को मजदूरी का पैसा नहीं मिला है तो दूसरी तरफ गांव लौटे मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, जबकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है जिसके चलते मजदूरों के हाल बेहाल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। झाबुआ जिले की 4 पंचायतों में तलावली सुखजी, तेजा भीमजी, सजेली नानिया में जब पड़ताल की गई तो यहां 1500 से ज्यादा मजदूर अब तक लौट चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन मजदूरों के पास कोई काम नहीं है।
कुछ नहीं है, घर पे बाहर में मजदूरी करने जाते थे तो बाहर के लोग घर पे आए, घर पे बैठे बैठे क्या करें, घर पे पैसा कौड़ी की सब की ऐसी स्थिति है, साग भाजी भी नहीं मिलती है और कुछ गांव में काम नहीं मिल रहा, बहुत स्थिति खराब हो रही है हमारी। अच्छा। कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे बैठा है, इतना बच्चा बसी है, घर पे चार चार पांच पांच आदमी बाहर गए थे ऐसे पैदल चल के आए, बहुत स्थिति बिगड़ी हुई हमारी, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, कोई रोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ काम करें हम, स्थिति है, गांव काम करने गए थे वो बाहर से आया पैदल पैदल से और पैसा भी नहीं लाया और कहीं नहीं ऐसे आया, फिर भी घेर आयु ने क्या काम है, कुछ काम नहीं है, घर पे बैठा बैठा क्या खाए, इतना दस के ना घर में दस एक है ना पांच से, कौन से गांव में काम खुला है, कुछ गांव में काम नहीं खुला है, काम खुला हुआ तो एक हफ्ता काम करे पैसा तो दे ही नहीं रहा, क्या काम चल रहा है, कौन सा गांव में काम चल रहा है, कई काम में गांव में नहीं काम चल रहे। पलायन से लौटे इन मजदूरों का संकट सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि दुख इस बात का है कि गुजरात में जहां दिन रात इन्होंने मेहनत की वहां से मजदूरी भी नहीं मिली है। यहां चार पंचायत क्षेत्र में पड़ती है और चारों पंचायत में लेबर करीबन बाहर से जो पलायन पे गई थी वहां से गांव में आई तो कम से कम 1500 से 1600 लेबर आ गई, तो वहां से इतनी तकलीफ करते हुए आए कि पेमेंट भी नहीं मिला, वहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से पेमेंट भी नहीं मिला, पैदल पैदल या बसों में कहीं मुसीबत उठा के आए, पंचायतों में भी आके बैठे हैं, कोई काम जो सचिव सरपंच और जनपद सीओ को बताया, मैंने भी जानकारी निकाल के भाई काम पंचायतों में चल रहा है, बाकी जनपद सीओ बोल रहे काम चालू है और सरपंच लोगों ने कहीं तालाब लिए तो 8-8 दिन में जेसीबी से बना के उनको पूरा भरपाई कर दी। थोड़े बहुत पैसे थे वो रास्ते में खर्च हो गए और अब गांव में खाने के लिए लाले पड़े हैं। ऊपर देखी इन तस्वीरों के बीच सरकार के दावे इससे बिल्कुल अलग हैं और हवा में दिखाई दे रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं गांव में काम नहीं है और सरकार है कि मानती नहीं। बड़ी बात यह है कि जहां सरकार मजदूरों के लिए मनरेगा को लेकर दावे कर रही है वही ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोल रही है। मनरेगा योजना अंतर्गत हम लोगों ने जैसे कि एक लक्ष्य रखा था अपना कि हमारे प्रदेश में हम झाबुआ जिले को नंबर एक पर लेकर आएंगे और किसी भी स्थिति में जो श्रमिक बाहर से आए हैं वो भूखे नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको यहाँ कमाई के पर्याप्त साधन मिलेंगे। हम निरंतर अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हुए, हमारी सारी टीम ने, हमारे सीनियर्स ने, हमारे एई ने, हमारे पीओ नरेगा ने, हमारे एपीओ ने, हमारे पीओ ने, हमारे सीओ जनपद ने, सारी टीम ने एक टीम भावना की तरह काम करना शुरू किया। शरे शरे हमारी लेबर एंगेजमेंट बढ़ना शुरू हुआ, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, 70,000, 75,000 आज हम टच कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड है झाबुआ का आज तक का, 75,000 लेबर आज तक कभी भी नहीं लगी झाबुआ जिले में। इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। लक्ष्य मेरा है 1,00,000 क्रॉस करना और मैं 26 तारीख तक ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम ये एक इतिहास बना दें कि जो कभी कोई छू ना पाए, 1,00,000 लेबर हम 26 तारीख को क्रॉस करके दिखाएं। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन कितनी जल्दी मामले का संज्ञान लेता है और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, क्योंकि सरकार भले ही अपनी ओर से जितनी कोशिश कर ले, लेकिन जमीन पर तस्वीर तभी नजर आती है जब स्थानीय प्रशासन योजनाओं को धरातल पर लाता है। लाइव टुडे के लिए झाबुआ से भूपेंद्र की रिपोर्ट।